फ्रेंड्स, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में ऑलरेडी आपने कई बार ये नाम सुना होगा, और चूंकि कंप्यूटर्स के कई सिलेबस में, डिफरेंट कोर्सेज में IoT एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर IoT से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता हो। और मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज आपको हर एक कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ, राइट। और चूंकि ये पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ IoT, नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ IoT। तो सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ IoT। एज यू नो वेरी वेल, IoT दैट इज स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा डिफिनीशन में देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी में मैं आपको पूरी तरह अच्छे तरीके से समझाता हूं, राइट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट और पीपल्स कॉल्ड थिंग्स दैट आर इम्बेडेड विद सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क्स एंड सेंसर्स दैट अलाउज दीज ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा। एंड द गोल ऑफ IoT इज टू एक्सटेंड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम स्टैंडर्ड डिवाइस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट टू रिलेटिवली डम डिवाइसेज लाइक टोस्टर। इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या, जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं, इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेज, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। फिजिकल ऑब्जेक्ट का एक नेटवर्क है। फिजिकल ऑब्जेक्ट में पीपल भी हो सकते हैं, राइट, या बहुत सारी अदर डिवाइसेस भी हो सकती है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, राइट। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, बहुत सारी इम्बेडेड डिवाइसेस भी हो सकती हैं। इम्बेडेड डिवाइसेस का मतलब होता है कि जिसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो, राइट। तो वो उनका आपस में एक नेटवर्क, और ऐसा नेटवर्क कि वो सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, एक दूसरे से कनेक्ट हो सके, एक दूसरे से बातचीत कर सके, राइट, और एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज भी सके और इंफॉर्मेशन को रिसीव भी कर सके। डिवाइसेस में डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट होंगे, डिफरेंट जो डिवाइसेस होंगी, वो इंफॉर्मेशन को किस तरीके से सेंड करेंगे, किस तरीके से रिसीव करेंगे, उसमें डिफरेंट तरीके के सेंसर्स हो सकते हैं, राइट, और जिसके जरिए इंफॉर्मेशन को सेंस किया जाए, एंड फ्रॉम दीज डिवाइसेस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाए या रिसीव किया जा सके। मींस द ऑब्जेक्ट आर कैपेबल टू कलेक्ट द डेटा एंड एक्सचेंज द डेटा। द गोल ऑफ IoT, व्हाट इज द बेसिकली गोल ऑफ IoT, to extend to internet connectivity from standard devices, mean the goal, जो major goal है IoT का, कि internet connectivity जो कि current time में सिर्फ computer तक ही सीमित है, mobile, tablet तक ही सीमित है, तो ये connectivity किस तरीके से और भी devices तक पहुंचाई जाए, means कैसे भी other devices को भी internet के दायरे में लाया जाए। अदर डिवाइसेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट या डिवाइसेज हो सकती है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। सो एक फिगर के जरिए समझते हैं कि और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिटेल से क्या है, राइट। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि करेंट टाइम में इंटरनेट कुछ डिवाइसेज तक सीमित है, जैसे मोबाइल हो गया, राइट, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, राइट, टैबलेट्स हो गए या अदर इक्विपमेंट्स हो गए।
IoT का कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज दैट कि हमारे आसपास जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस हो, राइट, फिजिकल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक जस्ट लाइक कार आप देख रहे हैं, आप कैमरा देख रहे हो, फैन देख रहे हो, राइट, इसी तरीके से ट्रैफिक लाइट्स देख रहे हैं, इसी तरीके से आप यहां पर कोई एरोप्लेन देख रहे हैं, राइट, इसी तरीके से और भी बहुत सारे कंटेंट्स आप यहां पर देख रहे हैं। तो ऐसा हो कि ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, राइट, कनेक्ट होने का मतलब ये है कि जैसे आप मोबाइल टू मोबाइल इंटरनेट के जरिए कनेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट करते हैं, मोबाइल टू मोबाइल डेटा एक्सचेंज होता है, एक मोबाइल से डेटा दूसरे मोबाइल में, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे सिस्टम में ट्रांसमिट होता है और रिसीव भी होता है, राइट। उसी तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट है ये डेटा को एक्सेप्ट भी कर सके और किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेंड भी कर सके, राइट। जैसे मान लीजिए कार आईओटी है यहां पर, ठीक है, कार एक आपने ऐसी कार लिया हुआ है जो कि आईओटी से लैस है। इसी तरीके से मान लीजिए घर में जो क्लॉक रखी हुई है वो आईओटी से लैस है, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए फ्रिज जो घर में रखी हुई है वो आईओटी से लैस है। इसी तरीके से मान लीजिए कि एसी वो आईओटी से लैस है। तो इससे होगा क्या कि ऑल द डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे कैन सेंड डेटा टू ईच अदर। लेकिन ये कनेक्शन होगा कैसे? जैसे आप इंटरनेट में जो है एक कंप्यूटर को नेट से आप कनेक्ट करते हैं तो आईपी एड्रेस के माध्यम से सिस्टम जो है एड्रेसिंग की जाती है। इसी तरीके से मोबाइल में आप इंटरनेट ऑपरेट कर पाते हैं। तो इसी तरीके से क्या ऐसा एक कॉन्सेप्ट हो जिसमें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे फ्रिज है तो वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो, वहां पर भी कुछ आईपी एड्रेसिंग से रिलेटेड कुछ चीजें हो जिसके जरिए फ्रिज भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। इसी तरीके वॉशिंग मशीन है तो वो भी उसकी भी आईपी एड्रेसिंग के जरिए कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। तो इस तरीके का जो एक जो है थिंग्स का इंटरकनेक्शन है, राइट, थिंग्स का मतलब वस्तुओं का, राइट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको बोला गया है, मतलब वस्तुओं का एक इंटरनेट। तो इस तरीके जो से जो पूरा एक कनेक्टिविटी परफॉर्म होती है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। तो जैसा कि फिगर में आप समझ पा रहे हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड दे आर कैपेबल टू सेंड डेटा टू ईच अदर एंड एज वेल एज दे कैन रिसीव द डेटा टू ईच अदर, राइट, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू सर्वर कंप्यूटर्स एंड फ्रॉम वेयर दैट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी एक्सेस्ड। तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि आईओटी जो है इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। अगर आज की डेट में आप आईओटी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जैसे अपने इंडिया में, तो अगर इसको इस पर और भी अच्छे से कवर किया जाए या और भी अच्छे से परफॉर्म किया जाए तो आने वाले समय में जो आईओटी उस समय जो टेक्नोलॉजी जिस पोजीशन पर होगी तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं या कैसे हो सकती हैं, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए ये ट्रैफिक सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ट्रैफिक सिस्टम जैसे आज की डेट में विदाउट आईओटी अगर आप बात करिए मैनुअल तरीके से अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए कोई एक कार है, राइट, कार वो रोड पर रन कर रही है, राइट, और अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि कार गेट क्रैश्ड, राइट। तो क्रैश होने से होगा क्या कि वहां पर बहुत ज्यादा जाम लग जाएगा, फ्यूल क्राउड हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कुछ देर के लिए जाम हो जाएगा, राइट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्लियर। अच्छा, जो वहां पर कार में होंगे उनके घर वालों को भी ऑन द स्पॉट पता नहीं चल पाएगा, राइट। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है इन मैनुअल वे जैसा कि अभी हो रहा है, क्लियर। लेकिन अगर यही चीज आप थोड़ा सा आईओटी के जरिए समझे, आईओटी मान लीजिए कि कार वो आईओटी कार हो, आईओटी जो है लैस कार हो, आईओटी टेक्नोलॉजी से लैस कार हो, तो क्या हो, या रोड पर जो ट्रैफिक लाइट्स हो वो आईओटी से जो है लैस हो तो क्या हो।
तो मान लीजिए कि कार अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो जाती है, तो कार में जो सेंसर्स लगे होंगे, राइट, कार में जो सेंसर्स लगे होंगे, इफ कार इज आईओटी लास्ट, तो कार में जो सेंसर्स लगे होंगे उस सेंसर्स के जरिए जो है कार से मोबाइल, जो करिस्पॉन्डिंग जो वहां पर ड्राइवर होगा, तो ड्राइवर का जो मोबाइल होगा, तो मोबाइल में वो इंफॉर्मेशन सेंड हो जाएगी कि कार क्रैश हो चुकी है, और ऑटोमेटिकली चूंकि मोबाइल भी आईओटी से लैस है, राइट, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ऑटोमेटिकली मोबाइल से डेटा सेंड हो जाएगा, कुछ डेटा घर पे सेंड हो जाए, घर पे किसी मोबाइल पर सेंड हो जाए, जिससे घर वालों को पता चल जाए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, और ऑटोमेटिकली वहीं उसी मोबाइल से डेटा एक आसपास के जो पुलिस जो है स्टेशन हो वहां पर पता चल जाए। इसी तरीके से मोबाइल से डेटा जो जो है आसपास के जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग अथॉरिटी है, वहां पर पता चल जाए, ये चीजें ऑटोमेटिकली हो जाए। क्लियर? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट इन विच टास्क आर ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली परफॉर्म्ड, मीन्स डिवाइसेस व्हेन नेसेसरी द डिवाइसेस ऑटोमेटिकली टॉक टू ईच अदर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आईओटी के रिगार्डिंग में इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो चलिए आगे आने वाले लेक्चर में भी अभी बहुत सारी चीजें हम लोग आईओटी से रिलेटेड समझेंगे, राइट। तो हिस्ट्री जरा देख लेते हैं कि आईओटी से रिगार्डिंग क्या हिस्ट्री है, कैसे स्टार्ट हुआ या कॉन्सेप्ट कैसे आया। सबसे पहले जैसे कि आप हिस्ट्री ऑफ आईओटी स्लाइड में देख पा रहे हैं कि सबसे पहले ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, 1970 के आसपास का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि द एक्चुअल आइडिया ऑफ द कनेक्टेड डिवाइसेस वर प्रपोज्ड 1970 में, ये आइडिया आया था कि जो कनेक्टेड डिवाइसेस का, कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाए, राइट, और ताकि वो डिवाइसेस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सके। ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आज का नहीं है, ये 1970 के आसपास का है, राइट। अच्छा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ता रहा और बहुत सारे रिसर्च इस पे होते रहे। 1990 का टाइम आया, उस समय जॉन रॉमकी क्रिएटेड टोस्टर, उन्होंने एक टोस्टर क्रिएट किया विच कुड बी टर्न ऑन ऑफ ओवर द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट के माध्यम से ऑटोमेटिकली टर्न ऑन या टर्न ऑफ किया जा सकता था। इसी तरीके से ये समय बढ़ता रहा और 1995 में सीमेंस इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल बिल्ड फॉर द मोबाइल M2M, मोबाइल टू मोबाइल के लिए एक सेलुलर मॉड्यूल सीमेंस ने 1995 में डेवलप किया। एंड आफ्टर दैट इंक्रीजिंग टाइम, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहा, फाइनली 1999 में द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मीन्स थिंक इंटरनेट ऑफ थिंग, वस्तुओं का इंटरनेट, वॉज यूज्ड, दिस टर्म वॉज यूज्ड इन 1999। देखिए 1970 से स्टार्ट हो गया था लेकिन ऑफिशियली कोई नेम नहीं मेंशन किया गया था, बट 1999 में ये नेम मेंशन किया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड दैट वॉज यूज बाई केविन एस्थॉन। केविन एस्थॉन वॉज द कंप्यूटर साइंटिस्ट, यू कैन से, विच इंट्रोड्यूस दिस टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन 1999 ड्यूरिंग हिज वर्क एट पीएनजी। पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी का नाम है जहां पर वो वर्क करते थे, एंड विच बिकेम वाइडली एक्सेप्टेड, और जो कि बाद में एक्सेप्ट किया गया, मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग, जो कि नेम उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। और जैसे जैसे टाइम और भी इंक्रीज होता रहा, 2004 के आसपास द टर्म मेंशन इन द फेमस पब्लिकेशन, ये टर्म फेमस पब्लिकेशन जो कि लाइक द गार्जियन बोस्टन ग्लोब, गार्जियन बोस्टन ग्लोब पब्लिकेशन में जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, एंड साइंटिफिक अमेरिकन। 2005 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट टेलीकॉम यूनियन, ITU जो कि कहा जाता है, उन्होंने पब्लिश किया द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक। सबसे पहले पहले पहली रिपोर्ट ITU के द्वारा जो पब्लिश हुई, जो कि 2005 में है। 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग वॉज बॉर्न, एंड आफ्टर दैट 2011 द गार्नर द मार्केट रिसर्च कंपनी, गार्नर जो कि मार्केट रिसर्च कंपनी है, इंक्लूड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन दियर रिसर्च, उन्होंने
आपने रिसर्च में इस टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया, ऐड किया, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस होनी बाकी है। मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर वाइज जितने भी कंटेंट्स हो सके इसमें प्रोवाइड कर सकूं, राइट। तो यदि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कमेंट हो या सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे कह सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।